एक रात करीब 12 बजे घर की घंटी बजी। यह बात 2005 के सितंबर या अक्टूबर की महीने की है। उस वक्त मनोज भारतीय पुलिस सेवा में आ चुका था। वह मसूरी में ट्रेनिंग ले रहा था। घंटी बजने पर हम चौंक गए और अपने सभी तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए हमने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सामने मनोज खड़ा था। उसने पैर छूते हुए 500 का नोट रख दिया। बोला, आज नौकरी का पहला वेतन मिला है। मुझसे रुका नहीं गया। मन हुआ कि यह खुशी आपके साथ बांटूं। सैकड़ों सफल विद्यार्थियों से गहरा परिचय रहा था मेरा, पर ऐसे जज्बातों की उम्मीद कभी नहीं की थी। वह 500 का नोट आज भी हमारे पास सुरक्षित रखा है। नोटबंदी भी उसे नहीं हिला सकी। नमस्ते, हमारा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बैठकी का सबसे रंगबाज शो किताबें बोलती हैं। इस दफा जो किताब पढ़ी उसको पढ़ा नहीं है बल्कि हर पल जिया है। वो क्या है ना, किताब हमको हपक के हमारे किरदार से मेल खाती है। किताब का नाम है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसको न्यूलिट पब्लिकेशन ने पेपर बैग में छापा है। इसकी कीमत 196 रुपए है। अगर आप लोग किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon या Flipkart से खरीदेंगे, फिर Amazon खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। Footwear, watches and more now available on Flipkart.com। जाहिर सी बात है, किताब पे आपको भारी छूट देखने की मौजूद होगी। लेखक परिचय, किताब को लिखा है अनुराग पाठक ने। अनुराग पाठक का जन्म 5 अगस्त 1976 को ग्वालियर में हुआ। उन्होंने MA एवं PhD हिंदी साहित्य में किया हुआ है। एक कहानी संग्रह व्हाट्सएप पर क्रांति प्रकाशित हो चुकी है। फिलहाल वो इंदौर में रहते हैं। उपन्यास की कहानी एक ऐसे लड़की की लिखी गई है जो पढ़ने में औसतन है। इसे मैथ और इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। 10वीं तो सिर्फ वो नकल करके पास होता है और 12वीं भी उसी नतीजे पास होता है जैसे वो उसने 12th पास किया है। लेकिन जब 12वीं का रिजल्ट सर पर था, इत्तेफाक से पहला पेपर ही मैथ का पड़ा। उनको लगा कि हर बार की तरह स्कूल में नकल चल जाएगी, तो उसने बिना पढ़े ही स्कूल पहुंच गया। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका बढ़ चुकी थी। इस बार विश्वास के साथ मनोज एग्जाम देने स्कूल पहुंचा। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका बढ़ चुकी थी। इस बार स्कूल में नकल कराने का सारा जिम्मा एक टीचर ने ले रखा था। लेकिन उसके नकल कराने के सभी जिम्मे पर उस वक्त पानी फिर जाता है जब क्षेत्र के SDM दुत्सन सिंह स्कूल में दाखिले होते हैं और छात्र के सभी मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। जब रिजल्ट आता है तो मनोज पांचों सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। उसके गांव मोहल्ले में उसकी पूरी थुथु मैमे होती है। उस थुथु मैमे से बचने के लिए अपने जिले मुरैना में ही टेम्पो चलाने लग जाता है। लेकिन इसकी किस्मत यहाँ भी बहुत बेकार साबित होती है। एक रोज जब वो टेम्पो चला रहा होता है तो सड़क पर दूसरे टेम्पो वालों से झगड़ा हो जाता है। वो रसूखदार होता है तो पुलिस सेवा में शिकायत कर देता है, जिस कारण मनोज के टेम्पो को हड़प लिया जाता है। जब उसको बात पता चलती है कि जिस थाने में टेम्पो को रखा गया उसका इंचार्ज SDM वहां पे आए हुए हैं, तो उनसे मिले पहुंच जाता है। उनके फैसलों से वो काफी प्रभावित होता है और वहीं पर वो फैसला करता है कि मैं भी SDM बनूंगा। इस पूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए तमाम परेशानी से जूझ रहा है। शहर में स्नातक पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, तीन तीन दिन भूखा रहता है। पेट भरने के लिए होटल पर बर्तन मांजता है। मनोज अपना खर्च उठाने के लिए वो लाइब्रेरी में ₹300 की नौकरी भी करता है, लेकिन उस जगह भी उसके ईमानदारी पर शक किया जाता है। और वो इतना आदर्शवादी होता है कि लाइब्रेरी की नौकरी छोड़ देता है और आटे चक्की से अनाजों की पिसाई कर सकते हैं। हमारे पास इस मॉडल का मशीन पर पहुंच जाता है नौकरी करने। मनोज के जीवन संघर्षों के मार्मिक चित्रण है यह किताब। तो फिलहाल जो लोग UPSC और तमाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते हुए बीच उनको ऐसा लगता है कि यार अब बहुत हुआ, अब हम नहीं कर सकते, तो उनको एक किताब पढ़ना चाहिए। किताब उनको एक प्रेरणा साबित होगी कि कैसे जब ये मनोज कर सकता है तो आप क्यों नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और किताब के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए
और देखते रहिए द बैट की। अगर आप लोगों को हमारा यह कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। यूट्यूब पर रेड बटन को दबाइए, उसके बाजू में बटे बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोग हमारे वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। शुक्रिया।